हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे J&K ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी की हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज में अगर हम बात करें तो इसमें हमने पहले जो वीडियोज़ डाले थे वो 5 वीडियोज़ डाले थे। आज हमारा लास्ट वीडियो रहेगा और 6 वीडियो के अंदर हम जितने भी क्वेश्चन अभी तक रहते हैं उसको हम कवर करेंगे। तो टॉप 200 MCQs की सीरीज का ये हमारा लास्ट जो है वीडियो रहने वाला है J&K ज्योग्राफी का। बताना चाहूँगा जी, वो क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट डिफरेंट JKSSB एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा 6 और 6 जो है हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो, आप वीडियो को पास करके इसका जो राइट आंसर जो है जरूर बताते जाइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। इससे पहले 150 क्वेश्चन किए थे, आज हम करेंगे 151 से। तो आप वीडियो को पास करके इसका राइट आंसर जरूर बताते जाइएगा। सो क्वेश्चन नंबर 151 है, विच वैली इज बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमालय रेंज। ठीक है, हिमालय रेंज और पीर पंजाल के बीच में कौन सी वैली है? कांगड़ा एंड कुल्लू वैली है, कश्मीर वैली है, दून वैली है या चिनाब वैली है। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर इसमें आपका बनेगा बी, दैट इज कश्मीर वैली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, JKSSB एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द पहलगाम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि इसमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के पहलगाम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है? रियासी में, अनंतनाग, कुलगाम या डोडा। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज अनंतनाग। अनंतनाग में लोकेटेड है पहलगाम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप ऑफ जम्मू कश्मीर। खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल बतानी है आपने, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, लिनसीड है या पीए है। सो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे? आंसर 153 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे बी, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट किसकी एग्जाम्पल है? खरीफ क्रॉप की। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन। ठीक है, जम्मू रीजन के बारे में बताया गया हॉटेस्ट मंथ कौन सा है? सेप्टेम्बर है, जून है, अगस्त है या मार्च में? तो सभी जानते हैं ऑप्शन बी बनेगा इसका, जून में सबसे ज्यादा गर्मी जो पड़ती है जम्मू रीजन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 155, विच आर द फॉलोइंग हाईवे रन्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। इसमें से कौन सा नेशनल हाईवे है जो रन करता है कश्मीर से कन्याकुमारी? नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 30, NH 44 या NH 27। सो आंसर क्या बनेगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन यहाँ पे सी, NH 44। ये कहाँ से रन करता है? कश्मीर से कन्याकुमारी। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, विच आर द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क नियरेस्ट वाइज जम्मू एंड कश्मीर। जी, जम्मू कश्मीर की बात की गई है, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ हुआ था, जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, तो उसमें कौन सा था लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा था? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क या हैमी नेशनल पार्क? सो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? राइट आंसर आपका डी बनेगा, हैमिस नेशनल पार्क। हैमिस नेशनल पार्क साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और अभी ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हम स्टेट की बात कर रहे थे, अब जम्मू कश्मीर स्टेट थी, अब ये कहाँ पे है? लद्दाख यूटी के अंदर। ठीक है, तो 4400 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है एरिया रहता है हैमिस नेशनल पार्क का। और ये किसके लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 157, विच आर द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट उत्तर बेनी ऑफ द जम्मू रीजन। ये कौन सा फेस्टिवल है इसमें जो उत्तर बेनी ऑफ जम्मू रीजन में जिसको सेलिब्रेट किया जाता है? वैसाखी है, जीडी मेला, बाहु मेला या चैत्र चौदश? सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर 157 का, दैट इज डी, प्लीज यानी चैत्र चौदश इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 158, पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज अ टिपिकल मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टिपिकल मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सदर्न, नदर्न, ईस्टर्न या वेस्टर्न? सो आंसर क्या बनेगा आपका 158 का, दैट इज ए। ठीक है, तो सदर्न जो पार्ट है जम्मू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हैज अ टिपिकल मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट। 159, द मेंडर्स ऑफ द रिवर झेलम एंटर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। जो मेंडर्स होते हैं रिवर झेलम के, ये कौन सी लेक में एंटर करते हैं? बुल्डर लेक, डल लेक, पेंगोंग लेक या यहाँ पे मानसर लेक? ठीक है, सो आंसर क्या बनेगा इसका राइट आंसर? आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, दैट इज बुल्डर लेक। बुल्डर लेक इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। 160, विच आर द फॉलोइंग रिवर इज फॉर्म्ड आफ्टर द टू स्ट्रीम्स ऑफ द चंद्रा एंड बागा मर्ज विद ईच अदर। ठीक है, तो ये दो रिवर्स के बारे में बताया, दो रिवर जो है, दो स्ट्रीम जो है मिलकर जो मर्ज होती है उस कौन सी रिवर बनाती है? चिनाब है, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या सतलुज? सो राइट आंसर क्या बनेगा आपका 160 का? राइट आंसर आपका यहाँ पे ए बनेगा, यानी कि ए यानी कि चिनाब। ठीक है, दो स्ट्रीम चंद्रा एंड बागा मिलके क्या बनाते हैं, कौन सी रिवर बनाते हैं? चिनाब रिवर।
161, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज फाउंड इन पीर पंजाल रेंज ऑफ जेएंडके, इसमें से कौन सा एनिमल जो है आया जाता है पीर पंजाल रेंज ऑफ जेएंडके में, एशियाटिक लाइन, एलिफेंट, नीलगिरी तार या मरथोर। सो राइट आंसर बताइए यहाँ पे 161 का। सो 161 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका, आंसर यहाँ पे जहाँ पे बनेगा डी, मरथोर। एशियाटिक लाइन कहाँ पे पाए जाते हैं, एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क में, और गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात के अंदर, ठीक है। 162, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कंसर्न स्पीशीज अकॉर्डिंग टू IUCN इंटरनेशनल यूनिफॉर्म कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड डेटा बुक, ठीक है, फोन इन जेंड के, तो उसमें से आपने बताना है लिस्ट कंसर्न स्पीशीज, ठीक है, चीर फीजेंट्स, चीरू, गोल्डन ईगल या बाइल जॉक। सो 162 का आंसर यहाँ पे बनेगा आपका आंसर सी, गोल्डन ईगल बोलते हैं इसको, दैट इज ये लिस्ट कंसर्न स्पीशीज है अकॉर्डिंग टू IUCN रेड डेटा बुक जो कि फोन इन जेंड के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163, व्हाट इज द पीरियड ऑफ चिलाई बच्चा इन जम्मू एंड कश्मीर, चिलाई बच्चा का जो टाइम पीरियड है कितना रहता है, 48 डेज, 20 डेज, 10 डेज या 28 डेज। सो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर आपका सी बनेगा, ठीक, सो आंसर इसका सी बनेगा, यानी कि 10 डेज, ठीक। चिलाई कलान का क्या टाइम रहता है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, चिलाई कलान यहाँ पे 40 डेज का होता है, चिलाई कुरुड उसके बोलते हैं 20 डेज का, और चिलाई बच्चा जो होता है ये 10 दिन का होता है, ठीक है, ये टाइम पीरियड रहता है, टाइम पीरियड रहता है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो ये बात कीजिए स्पेशली कश्मीर की। 164, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन एशिया, लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कौन सा एशिया का, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन, हर्बन गार्डन, परी महल गार्डन या इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन। तो 164 का आंसर क्या रहेगा आपका, जहाँ पे डी बनेगा, इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन इसका राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर के अंदर इज द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन एशिया। क्वेश्चन नंबर 165, हाइडेस्पस, विटेस्टा एंड बिथ, ये डिफरेंट नेम्स हैं कौन सी रिवर के हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडस के हैं, किशन गंगा के हैं, जेलम के हैं या चिनाब के हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर साथ साथ में बताते जाइएगा। 165 का आंसर बताइए, सो 165 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे आंसर सी, जेलम के नाम है, ठीक है, हाइडेस्पस, विटेस्टा एंड बिथ, ये डिफरेंट नेम्स हैं कौन सी रिवर के, जेलम के। क्वेश्चन नंबर 166, ब्राउन बियर फाउंड इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज इन स्टेटस एज पर IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, तो उसमें से आपने बताना कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर है, नियर थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, लिस्ट कंसर्न है। सो आंसर आपका 166 का आंसर बनेगा यहाँ पे, आंसर डी, लिस्ट कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ बैंक ऑफ जेलम, जो कि किसके क्लोज है, क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से आपने नेशनल पार्क के बारे में बताना है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है या डाचीगम नेशनल पार्क है। सो आंसर क्या बनेगा आपका, जहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क सिचुएटेड है नॉर्थ बैंक ऑफ जेलम, जो कि किसके क्लोज है, लाइन ऑफ कंट्रोल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 168, किशन गंगा इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, किशन गंगा जो है किसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, चिनाब की है, चंद्रा की है, जेलम की है या बागा की है। सो आंसर क्या बनेगा आपका 168 का, सो आंसर आपका सी बनेगा, जेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 169, डल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, डल लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, डोडा में है, श्रीनगर, बारामूला या मीरपुर, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसका 169 का, सो आंसर आपका बी बनेगा, श्रीनगर के अंदर है डल लेक, ठीक। 170, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया द मुंगरी केव श्राइन इज लोकेटेड, इसमें से यूनियन टेरेटरीज बताई गई हैं, कौन सी यूनियन टेरेटरी है इंडिया के अंदर जिसमें मुंगरी केव जो है श्राइन लोकेटेड है, पुडुचेरी के अंदर है, अंडमान एंड निकोबार के अंदर है, दमन एंड दीव के अंदर है या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। तो 170 का आंसर क्या बनेगा आपका, 170 का आंसर बनेगा जहाँ पे डी, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर है मुंगरी जो श्राइन केव है, केव श्राइन, ठीक है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 171, इन विच ईयर सुरिंसर मानसर लेक वाज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट, ठीक है, तो रामसर साइट के अंदर इसको, रामसर साइट के अंदर इसको कब डिक्लेयर किया गया, सुरिंसर मानसर लेक को, 2005, 1999, 1985 या 1965। सो 171 का आंसर बनता है यहाँ पे ए, ठीक है, 2005 के अंदर इसको सुरिंसर मानसर लेक को डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 172, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन बिल्ट ऑन,
इज बिल्ड ऑन झेलम रिवर। झेलम रिवर के ऊपर कौन सा जो है हाइड्रोलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है बना है? निम्बू बाजगो है, उड़ी सैकिन है, सलाल है, डलहस्ती। सलाल कहाँ पे है जी? रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो जी काफी इंपॉर्टेंट है, सलाल जो है आपको डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर देखने को मिलेगा। कौन सी रिवर है? चिनाब रिवर के ऊपर। तो उड़ी और जहाँ पे आंसर बनेगा, उड़ी कहाँ पे है? झेलम। ठीक है, सो आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 173, लेक गंगावल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स? कौन सी माउंटेन में लोकेटेड है लेक गंगावल? कलोही, ब्रह्मा, उसके बाद जोजिला या हरमुख? सॉरी, राइट आंसर इसका 173 का क्या बनेगा? राइट आंसर आपका डी बनेगा, हरमुख। हरमुख जहाँ पे लेक गंगावल लोकेटेड है, हरमुख माउंटेन में। ठीक है, सो आंसर आपका डी बनेगा। 174, रिवर लिदर इन जम्मू एंड कश्मीर ओरिजिनेट फ्रॉम? लिवर जो लिदर है जी जम्मू कश्मीर की, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कैलाश कुंड ग्लेशियर से, कलोई ग्लेशियर से, या कोसरनाग लेक से, या बैरीनाग लेक से? सो आंसर बनेगा आपका 174 का आंसर यहाँ पे बी, दैट इज कलोई ग्लेशियर। कैलाश कुंड ग्लेशियर से कौन सी रिवर आती है? तभी रिवर आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 175, द रूपलंक आईलैंड इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक? ठीक है, कौन सी लेक में जो है रूपलंक जो आईलैंड है वो बनाया गया है? ठीक है, आंसर लेक, बुलर लेक, डल लेक या अंचल लेक? सो 175 का आंसर यहाँ पे बनेगा आंसर सी, डल लेक। डल लेक इसका राइट आंसर सी बनेगा। 176, गोल्डन ईगल विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज ऑफ जम्मू कश्मीर इज इन स्टेटस एज पर द IUCN रेड डेटा बुक? तो इसमें से आपने बताना क्या नियर थ्रेटन है, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, या लिस्ट कंसर्न है? सो 176 का आंसर क्या बनता है जहाँ पे? आंसर आपका डी बनेगा, डी यानी कि लिस्ट कंसर्न। 177, इन विच आर द फॉलोइंग फोर्ट्स इज द बावे वाली माता टेम्पल लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर? ये आपने फोर्ट के बारे में बताना है, इसमें से कौन से फोर्ट में बावे वाली माता जो टेम्पल है जो लोकेटेड है? अखनूर फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट, हरिपर्वत फोर्ट या बाहू फोर्ट? सो आप सभी जानते हैं बाहू फोर्ट इसका राइट आंसर डी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 178, सलाल हाइड्रोलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन चिनाब रिवर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सलाल हाइड्रोलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से रिवर, ये सलाल हाइड्रोलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है चिनाब रिवर के ऊपर है, मगर ये है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रामबन, रियासी, कठुआ या उधमपुर? सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बी बनेगा, दैट इज रियासी। रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा सलाल हाइड्रोलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर द रिवर झेलम फ्लोज इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स? श्रीनगर को क्रॉस करने के बाद जो रिवर झेलम है ये कहाँ पे फ्लो करती है? जरब सो लेक, सोकर लेक, डल लेक या बुल्लर लेक? सो राइट आंसर क्या रहेगा 179 का? सो राइट आंसर आपका जहाँ पे बनेगा आंसर डी, बुल्लर लेक इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो बुल्लर लेक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 180, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर वैली? सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा कश्मीर वैली का? अब्दुल गार्डन, लोधी गार्डन, निषाद गार्डन या हैंगिंग गार्डन? सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 180 का? 180 का राइट आंसर यहाँ पे सी रहेगा, निषाद गार्डन इसका राइट आंसर है। 181, व्हाट इज द बिनोमियल नेम ऑफ कश्मीर मस्क डियर? बिनोमियल नेम बताना इसका, कौन सा कश्मीर मस्क डियर का? बल्पस, बल्पस, सर्वस, कैंडानिस, उसके मॉस्चस प्रियस या यहाँ पे ये आंसर थोड़ा सा प्रोनाउंस करना थोड़ी काफ़ी डिफिकल्ट है। सो 181 का आंसर बताइए यहाँ पे सी बनेगा। ठीक है, मॉस्चस प्रियस। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं जिस तरीके से, आप स्पेलिंग देख लीजिए तो आसानी से आप इसको टिक कर पाओगे अगर वापस से एग्जाम में, ये कैसे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 182, दक्सुम जो एक राजपरीय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? बडगाम, अनंतनाग, डोडा या शोपियां? सो 182 का आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर भी। ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी दक्सुम राजपरीय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 183, विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर हैंगुल आल्सो कॉल्ड, जिसको हम कश्मीरी स्टैग बोलते हैं, लोकेटेड इन श्रीनगर? ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में बताना, कौन से नेशनल पार्क में? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, टैचिकम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क या काजीनाग नेशनल पार्क? सो 183 का आंसर बनता है यहाँ पे, आंसर यहाँ पे बनेगा बी, यानी कि टैचिकम नेशनल पार्क। टैचिकम नेशनल पार्क इज जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 184, विच आर द फॉलोइंग बूट्स फाउंड इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सूटेबल फॉर बूट कार्विंग? कौन सी बूट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है जो सूटेबल है बूट कार्विंग के लिए? देवदर बूट, चिनार बूट, केल बूट या वालनट बूट? सो आंसर क्या बनेगा 184 का? आंसर आपका जहाँ पे डी बनेगा, वालनट बूट इसका राइट आंसर है। 185, ड्यूरिंग मंथ जीरी मेला विल बी हेल्ड इन जम्मू कश्मीर? जीरी मेला जो है कब होता है? अप्रैल, मई में, अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई
जहाँ फरवरी मार्च, सो राइट आंसर आपका जहाँ पे आंसर बनेगा बी, ठीक है। तो जेडी मेला होता है अक्टूबर नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 186, विच आर द फॉलोइंग वेटलैंड रिजर्व इन द जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट। वेटलैंड रिजर्व कौन सा जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर? गराना, पंपुर, शालाबाग या नूरीचंद, ठीक है। सो आंसर आपका जहाँ पे आंसर है गराना जो है वेटलैंड रिजर्व जो है जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। ये तीनों जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187, द बगलिहार डैम इज बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। बगलिहार डैम जो कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? रावी, झेलम, चिनाब या जमुना। सो 187 का आंसर क्या बनेगा? सी, चिनाब रिवर के ऊपर बना है बगलियार डैम। 188, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन श्रीनगर। इसमें से इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा जो श्रीनगर के अंदर लोकेटेड है? गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट या लोकप्रिया गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो सभी जानते हैं आंसर आपका बी बनेगा, शेख उल आलम, ठीक है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर के अंदर। 189, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज लोकेटेड इन बड़गाम डिस्ट्रिक्ट। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसमें से कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है लोकेटेड है? पत्नीटॉप, सोनामार्ग, दूधपत्री या गुलमार्ग। सो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा, ठीक है। बैली या मिल्क के नाम से भी दूधपत्री को जानते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था बैली या मिल्क के नाम से, ठीक है। दूधपत्री इसका राइट आंसर है, ये बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 190, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासेस थ्रू जम्मू कश्मीर। इसमें से कौन सा नेशनल हाईवे जो है पास करता है जम्मू कश्मीर से? 501, 202, 102 या 703। सो आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, 501 जो नेशनल हाईवे है ये पास करता है जम्मू कश्मीर से। 191, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बसोली आर्ट पेंटिंग, ठीक है। रियासी, कठुआ, रामबन या सांबा। बसोली एक प्लेस है कहाँ पे? कठुआ के अंदर। तो आप इसको ऐसे भी मार कर सकते हैं, ठीक है। बसोली आर्ट पेंटिंग कहाँ पे? कठुआ के अंदर। सो आंसर आपका क्या बनेगा? बी इसका राइट आंसर है। 192, हु अमंग द फॉलोइंग रोड दैट पुंछ वाज फेमस फॉर ग्राफिक्स, फाइन टी मशरूम एंड गुड हॉर्सेस। ये किसने लिखा था कि पुंछ फेमस है ग्राफिक्स के लिए, फाइन टी के लिए और गुड हॉर्सेस के लिए? इब्न बतूता, अल मसूदी, ह्यून संग या अल बरूनी। सो आंसर आपका सही बनेगा, जहाँ पे ह्यून संग के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है। 193, यूटी एनिमल कौन सा जम्मू कश्मीर का? एशियाटिक लाइन, हैंगुल, स्नो लेपर्ड या अफ्रीकन एलिफेंट। सो आंसर आपका जहाँ पे सीधा बी बनेगा, हैंगुल इसका राइट आंसर है, जो कि यूटी एनिमल है जम्मू कश्मीर का। 194, इसमें से आपने बताना इज द मीडो इन खाक तहसील ऑफ बड़गाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना आपने, गुलमार्ग है, बगलियाल है, तोसा मैदान है या सोनामार्ग है। सो 194 का आंसर क्या बनेगा आपका? यहाँ पे सी, तोसा मैदान इसका राइट आंसर है। 195, सिंध नाला या नाला सिंध जो है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? झेलम, चिनाब, रावी या तोंस। सो आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, दैट इज झेलम की ट्रिब्यूटरी है सिंध नाला। 196, विच आर द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। इसमें से कौन सा जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये लोकेटेड है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में? पनियार, खानागुंड, ब्रेनिशात या खीरम। सो आंसर 196 का बनेगा जहाँ पे डी, खीरम इसका राइट आंसर है। 197, बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको और क्या बोलते हैं? बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताजपस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बोला जाता है यहाँ पे, आंसर आपका क्या बनेगा जहाँ पे बी, ठीक है। ताजपस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका राइट आंसर है। सो आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा। 198, विच आर द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पेयर कंस्ट्रक्ट ऑन द रिवर तवी ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। इसमें से आपने बताना कौन सा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिवर तवी के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की। सटकना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा, चनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कंस्ट्रक्टेड है रिवर तवी के ऊपर, और तवी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की। 199, विच आर द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स ऑफ अमरकंटक। अमरकंटक की हिल्स से कौन सी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है? बेतवा, माही, जमुना या नर्मदा। सो आंसर आपका बनेगा 199 का आंसर डी, ठीक। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आंसर आपका डी बनेगा। 200, विच आर द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिवीजन ऑफ डल लेक। इसमें से आपने बताना कौन सा डिवीजन है डल लेक का? नागिन लेक, हैनल तुसो लेक, मार्सर लेक या सो कर लेक। सो 200 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा आपका जहाँ पे? दैट इज ए, नागिन लेक। नागिन लेक इसका राइट आंसर है। सो आंसर आपका जहाँ पे बनेगा ए।
तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा वीडियो इंडियन जेएंडके ज्योग्राफी के, सॉरी, जहाँ पे 200 एमसीक्यूज हमने कवर कर ली। इसके बाद में एक वीडियो आपके लिए और लेके आऊंगा, 25-30 उसमें हम और एमसीक्यूज करेंगे। तो ये था आज का हमारा 6th वीडियो अप्रॉक्सीमेटली आपका इसमें कवर है, वो अलग से मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।